आज 4 अप्रैल स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कार्निबैक कोव नामक टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन और अप्रैल 2021 में शुरू हो सकता है? तो यह है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने वर्ष 2020 के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है? तो किया है सनातन ने, सनातन उपन्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो ने एमपीएन का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एमपीएन किस देश में स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वेब पोर्टल के लिए माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यह 1 अप्रैल से किस तारीख तक चालू रहेगा? तो ये है 15 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सी झील संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की जाएगी? तो ये की जाएगी डल झील, पोरमंडल झील और बुलर झील, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है, पंजाब के सीएम कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष की रिमिशन पॉलिसी में संशोधन के तहत पंजाब में सजायाफ्ता कैदी अब केवल एक बार के बजाय समय समय पर छूट के पात्र होंगे? तो यह 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किसने ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है सुभाष कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2021 के दौरान एक वर्ष में कितने से अधिक मार्ग किलोमीटर को कवर करने वाले वर्गों का उच्चतम विद्युतीकरण किया है? तो यह 6,000 से अधिक किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अब तक लाभार्थियों को कोविड टीके की कितनी से अधिक खुराक दी जा चुकी है? तो यह 7,30,54,000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2021 से कितनी अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपये की राशि जारी की है? तो जारी की है 4,608। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आयोजित की जाएगी उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में वित्त वर्ष 2021 में GST राजस्व संग्रह ने कितने % की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? तो ये है 2.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो गेम्स ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर 1 साल लंबे सहयोग की शुरुआत की घोषणा करने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है क्वालकॉम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल अफ्रीका के अनुसार निम्न में से कौन अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एयरटेल मोबाइल कॉमर्स बीबी में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा? तो यह है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 5 साल से अधिक नौकरी के बाद बायोमो के सीईओ के रूप में पद छोड़ रहे हैं? तो ये छोड़ रहे हैं जॉन कैप्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT दिल्ली ने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स में कितने % की कमी की है? तो की है 50% की कमी।